दुनिया में भारी भरकम कर्मियों के लिए पहचानी जाने वाली भारतीय रेल के 13 लाख कर्मचारियों में से लगभग 13,000 कर्मचारी ऐसे हैं जो गायब हैं। ये कोई मिस्टर इंडिया जैसा मामला नहीं है, लेकिन उससे कम भी नहीं है। इसलिए अब लंबे वक्त से ड्यूटी पर न आने वाले गायब की सूची में दर्ज कर्मचारियों पर रेल मंत्रालय का ध्यान गया है। रेलवे अब ऐसे कर्मचारियों और अधिकारियों की खोज खबर लेने लगा है जिन्होंने अधिकृत तरीके से ना तो रेलवे से छुट्टी ली है और ना ही रेलवे को गैर हाजिर रहने के बारे में विभाग को जानकारी दी है। ऐसे लोगों के खिलाफ कार्रवाई शुरू हो रही है। रेलवे ने प्रदर्शन सुधारने, ईमानदार और मेहनती कर्मचारियों का मनोबल बढ़ाने के लिए एक अभियान शुरू किया है। ये कार्रवाई उसी अभियान का हिस्सा है। अब रेलवे इन कर्मचारियों की सेवाएं समाप्त करने के लिए नियमों के तहत अनुशासनात्मक कार्रवाई शुरू कर रहा है। रेलवे ने सभी अधिकारियों और पर्यवेक्षकों को उचित प्रक्रिया पर अमल के बाद कर्मचारियों की सूची से इनका नाम हटाने का निर्देश दिया है। रेलवे अब इन अधिकारियों कर्मियों को पहले नोटिस भेजकर उन्हें सूचित करेगा और उचित कारण जानकर उनके खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई, उनकी काउंसलिंग या अन्य कार्रवाई के बाद ही ड्यूटी ज्वाइन करने पर फैसला किया जाएगा। रेल मंत्री पीयूष गोयल ने इन कर्मचारियों के खिलाफ तुरंत अनुशासनात्मक कार्रवाई के आदेश दिए हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, APN।